नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गाल ब्लैडर स्टोन। दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन को हिंदी में पित्ताशय की पथरी या पित्त की थैली की पथरी या कोलेलिथियसिस भी कहते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी भी एज में हो सकती है, यानी इसके लिए एज कोई बाहर नहीं है। ये आपको 10-15 साल की एज में भी हो सकता है, 20s की एज में भी हो सकता है, या 30s, 40s या 50s की एज में भी हो सकता है। बट रूटीन के अंदर ये देखा गया है कि कॉमनली इसकी जो मोस्ट कॉमन एज है वो 30 to 45 की एज जो है, इसकी एज के अंदर ये ज़्यादा होता है। दोस्तों, सेकेंड इसके अंदर हम बात करें कि ये मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, या क्या ये किसी जेंडर से भी इसे रिलेशन है। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरुषों और महिलाओं में, यानी मेल और फीमेल्स दोनों में ही हो सकता है, लेकिन ये रूटीन में देखा गया है कि ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, यानी जो गाल ब्लेडर का स्टोन है इसकी प्रॉब्लम महिलाओं को ज्यादा होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी साइज की, कि इसके स्टोन के साइज क्या हो सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गाल ब्लेडर है इसके स्टोन की साइज बिल्कुल मिट्टी के कण से लेके, यानी 2-3 mm से लेके, और जो गाल ब्लेडर की साइज को पूरे को उसको गाल ब्लेडर को कवर कर लेता है, इस साइज का भी हो सकता है। 20 mm हो सकता है, 30 mm हो सकता है, 12-15 किसी भी साइज का हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके जो है क्वांटिटी कितनी, यानी कितने आपको एट ए टाइम में स्टोन हो सकते हैं। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो गाल ब्लेडर स्टोन्स है ये कोई एक स्टोन भी हो सकता है और कई बार मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी आपको एक स्टोन हो सकता है एट ए टाइम, आपको 2 स्टोन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, या आपको पता चला कि 50 छोटे छोटे स्टोन भी हो सकते हैं। तो इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है, एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि गाल ब्लेडर स्टोन कैसे होता है और गाल ब्लेडर स्टोन क्या है। दोस्तों, यहां सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि गाल ब्लैडर क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि स्टोन कैसे बनता है। दोस्तों, गाल ब्लैडर हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में राइट साइड के अंदर, यानी यहां पर पसलियों के नीचे, लीवर के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है। ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, और दोस्तों इसका बेसिक पर्पज होता है कि ये बाइल को स्टोर करता है। दोस्तों, बाइल हमारे लीवर के द्वारा सेक्रेट किया गया एक फ्लूइड होता है, जिसका बेसिक काम होता है फैट्स को डाइजेशन करना। दोस्तों, ये जो फ्लूइड होता है ये लीवर से सीक्रेट होके और आपका जो गाल ब्लेडर होता है उसके अंदर स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं, पर्टिकुलरली जब कोई फैटी फूड्स वगैरह लेते हैं, तो गाल ब्लेडर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन से ये फ्लूइड जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टिन में आता है और डाइजेशन के अंदर हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, ये है बेसिक पर्पज गाल ब्लेडर का, कि इसका गाल ब्लेडर का फंक्शन क्या हो गया कि बाइल को स्टोर करना, और जब जरूरत होती है बॉडी को डाइजेशन के लिए तो इसको वहां से निकालना। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बाइल क्या है। गाल ब्लेडर बाइल को स्टोर करता है, तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि बाइल क्या है। दोस्तों, बाइल एक तरह का लिक्विड है, ये एक तरह का तरल पदार्थ है, और ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर बनता है। मैंने अभी आपको समझाया कि बॉडी में लीवर होता है और लीवर के नीचे गाल ब्लेडर होता है, तो आपका जो लीवर होता है दोस्तों ये एक फ्लूइड बनाता है जिसको हम बाइल बोलते हैं, और दोस्तों ये बाइल यहां से जाके गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाइल का कंपोजिशन क्या है। दोस्तों, बाइल का अगर हम बेसिकली कंपोजिशन की बात करें तो बाइल के अंदर वाटर होता है, यानी इसमें पानी होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं, इसमें पिगमेंट होता है जिसका नाम बिल्यूरिबिन होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों, ये हो गया बाइल का कंपोजिशन। आप जब भी खाना खाते हो तो आपका गाल ब्लेडर होता है वो उसमें जो है एक संकुचन होता है या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, और यहां का जो फ्लूइड है ये बाहर आ जाता है, और ये फ्लूइड जो है आपका स्मॉल इंटेस्टिन में जाके और डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर, पर्टिकुलरली फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसी से तरह से दोस्तों हमारे जो इसके अंदर बाइल के अंदर जो बिलीरुबिन है ये एक तरह का पिगमेंट है, और ये पिगमेंट आपके बाइल को एक येलो कलर देता है। उसी तरह से जो बाइल पिगमेंट है, जो बिलीरुबिन है, ये आपके स्टूल को भी एक येलोइश कलर देता है। तो बिलीरुबिन बेसिकली जो है आपकी बॉडी के अंदर इसको बाइल को येलो कलर देता है, स्टूल को येलो कलर देता है। दोस्तों, आपने रूटीन में भी सुना होगा कि जब भी जॉइंडिस होता है, जब पीलिया होता है, तो उसके अंदर आप देखते हैं आपकी स्किन के अंदर जो है एक येलो कलर आने लगता है, आपकी आईज के अंदर यहां पे जो है डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि यस येलोइश जो कलर ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों, ये बिलीरुबिन बढ़ जाता है, बोलते हैं कि बिलीरुबिन बढ़ गया, तो ये इंडिकेशन है कि ये इसका पिगमेंट जो है बढ़ रहा है और इसका बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गाल ब्लेडर स्टोन कितनी टाइप के होते हैं। दोस्तों, गाल ब्लेडर स्टोन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टोन जो कि 80% केसेस में देखा गया है वो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है 80% ऑफ गाल ब्लेडर स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, और इनका यूजुअली येलो और ग्रीन कलर होता है।
दोस्तों सेकंड तरह के जो स्टोन्स देखे गए हैं वो है पिगमेंट स्टोन। दोस्तों पिगमेंट स्टोन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये मेनली बिलीरुबिन से बना हुआ होता है। इसमें बिलीरुबिन और कैल्शियम फोस्फेट का कंपोजिशन होता है और इसका जो कलर होता है वो रूजिन में आप कह सकते हैं कि एक ब्लैक कलर, थोड़ा कालापन लिए हुए होता है या राख की रंग का होता है। दोस्तों थर्ड तरह के जो स्टोन्स होते हैं उनको मिक्स स्टोन्स कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बिलीरुबिन भी होता है और साथ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। दोस्तों ये हो गया कि इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली इनको क्या नाम दिए गए। दोस्तों उसी प्रकार इसको दो तरह से और डिवाइड किया गया है, इसकी लोकेशन यानी गाल ब्लेडर की जो लोकेशन है स्टोन की उसके अकॉर्डिंगली भी इसको नाम दिया गया है। दोस्तों सबसे पहला कि जब ये स्टोन गाल ब्लेडर में होता है तो उसको कोलेलिथियसिस कहा जाता है। उसी तरह से जब आपका स्टोन वहाँ से निकल के डक्ट में आ जाता है तो इसको कोलिकोलिथियसिस भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज, वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण कि हमारे शरीर में गाल ब्लैडर स्टोन बनने लगता है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट कॉमन 80% ऑफ केसेज में जो स्टोन बनता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनता है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आपके बॉडी में, आपके बाइल में जब कोलेस्ट्रॉल का कंसेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है तो ये कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई होने लगता है। ये प्रॉपरली जब कोलेस्ट्रॉल पूरा बाइल से बाहर नहीं आ पाता है, उसका कंसेंट्रेशन अगर बाइल में बढ़ गया है तो धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल स्टोन की तरफ बनाने लगता है। तो आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो अब वो आपको जो गाल ब्लैडर स्टोन है वो बढ़ाने के चांसेस बढ़ा देता है। दोस्तों उसके बाद होता है कि मैंने आपको बताया कि आपकी जब हम फैटी डाइट लेते हैं या जब हम खाना खाते हैं तो हमारा गाल ब्लैडर उसमें एक संकुचन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और उससे गाल ब्लैडर खाली होता है। बट दोस्तों कोई भी रीजन से जब आपका गाल ब्लैडर अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या सपोज आप रेगुलर डाइटिंग कर रहे हैं, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे, इन सारी सिचुएशन के अंदर आपका गाल ब्लैडर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि अंदर बाहर जो है आप जब भोजन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, फैटी फूड्स वगैरह डाइट आपके प्रॉपर नहीं जा रही है तो वहाँ पे बाइल की ज़रूरत नहीं है। जब बाइल की ज़रूरत नहीं है तो आपका जो गाल ब्लैडर है ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उससे जो बाइल है पूरा प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा और धीरे धीरे बाइल वहाँ इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कि इसके अंदर जो बिलीरुबिन था, कोलेस्ट्रॉल था, ये सारी चीज़ें आपस में सॉलिडिफाई होने लगती है, आपस में इकट्ठे होने लगती है और ये धीरे 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 स्टोन बनने लग जाता है। तो ये भी एक इसमें बड़ा कारण देखने को मिला है। दोस्तों उसके बाद कुछ डिजीज कंडीशन, जिसके अंदर सबसे पहली बात मोटापा, वो लोग जो कि थोड़ा मोटे होते हैं, ओबेज होते हैं, उनके अंदर ये काफी कॉमन देखने को मिला है। उसी तरह से दोस्तों वो लोग जिनको कि डायबिटीज रहती है, या वो लोग जो फ्रीक्वेंटली जिनको मलेरिया होता है, वो लोग जिनको कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, या वो लोग जिनको बार बार लीवर से रिलेटेड डिजीज अगर होता है उसके अंदर भी गाल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद एक जो कॉमन इसके अंदर और रीज़न देखने को मिला है जो आजकल की लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आजकल आप देखेंगे कि हर कोई और मेनली मतलब फीमेल्स यहाँ ज़्यादा है जो इस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ कि वेट रिडक्शन में सभी को तो कहीं ना कहीं झुकाव, यानी फीमेल्स के अंदर, मेल्स भी हैं बट फीमेल्स के अंदर मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि वेट रिडक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि हाँ हमें जो है बॉडी को इस शेप में रखना है और इन सारी चीज़ों को देख के, और सडन वेट रिडक्शन जो ये सडन दोस्तों वेट रिडक्शन होता है, एक महीने के अंदर आप 3 किलो वेट रिड्यूस कर दिया, 5 किलो वेट रिड्यूस कर दिया या 10 केजीज तक वेट रिड्यूस कर रहे हैं, डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब डाइटिंग, भूखे रह के और इन सारी चीज़ों को जो कंप्रोमाइज़ करके जो वेट रिडक्शन होता है, इन सारी चीज़ों के कारण भी आपका गाल ब्लैडर है उस बाइल को रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं जा रही है तो बाइल की बॉडी में नीड नहीं है तो वो बाइल वापस उसके अंदर गाल ब्लैडर में रहेगा। और ये जो डाइटिंग है दोस्तों, जो ये सडन वेट रिडक्शन का प्रोग्राम है, ये आजकल के टाइम के अंदर फीमेल्स में पर्टिकुलरली देखा है कि गाल ब्लैडर स्टोन बनने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहां मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप वेट रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो डाइटिंग नहीं करें या सडन वेट रिडक्शन नहीं करें, जबकि आप धीरे धीरे योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, जॉगिंग करें या आप जिम जा सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं महीने में 1-1.5 किलो की एवरेज से अगर आप वेट रिड्यूस करते हो विद प्रॉपर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हुए, तो आपको गाल ब्लैडर स्टोन से भी बचेंगे, प्लस आपकी बॉडी में भी जो है मजबूती रहेगी, आपकी बॉडी वीक नहीं होगी और लंबे समय में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगेंस्ट कि आप एक साथ सडन वेट लूज कर रहे हो, और ये आपका ज़्यादा समय तक मेंटेन भी रहेगा। जबकि आप सडन अगर वेट रिड्यूस करते हो दोस्तों, तो आप जैसे ही ये सारी डाइटिंग और जो लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं वापस आप अपनी नेचुरल डाइट पे आओगे ही कुछ टाइम बाद में, तो वापस जो है सडन वेट भी बढ़ेगा और ये आपको इसको जो गाल ब्लैडर स्टोन है इससे भी बचाएगा। दोस्तों एक मैंने आपको बताया कि जो गाल ब्लैडर स्टोन है ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में हो सकता है, लेकिन ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन। दोस्तों फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है,
इसी तरह से वो फीमेल्स, वो मैरिड लेडीज जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है या गर्भ निरोधक जो गोलियां लेती है, उसके अंदर भी ये हार्मोनल इम्बेलेंसेज होने लगते हैं। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर या इस तरह की पिल्स वगैरह लेने के कारण, तो उसके कारण भी दोस्तों कहीं ना कहीं गाल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों उसी तरह से वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो नॉनवेज खाते हैं, उन लोगों को भी जो है गाल ब्लैडर स्टोन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो डाइट से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो आपको इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए, इनको करेक्ट करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करते हो तो धीरे धीरे आपको इसमें जो स्टोन की साइज़ भी नहीं बढ़ेगी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स कि हमें बॉडी में क्या लक्षण आएंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमें गाल ब्लैडर स्टोन बन गया है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाल ब्लैडर स्टोन है इसको बेसिकली साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है। दोस्तों साइलेंट मतलब शांत, इसको शांत या साइलेंट स्टोन इसलिए कहा गया है कि 80% ऑफ द केसेस के अंदर गाल ब्लैडर स्टोन के कोई सिम्टम्स आते ही नहीं है, यानी ये आपके गाल ब्लैडर में जस्ट पड़ा रहता है एकदम साइलेंट, कोई सिम्टम आपको नहीं देगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप फील कर सकते हैं कि आपको गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, एसिडिटी, कहीं थोड़ा बहुत आपको भारीपन फील हुआ जिससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे गैस बन रही है, मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, उसके कारण पेन, हल्के फुल्के इस तरह से, बाकी बेसिकली साइलेंट 80% ऑफ द केसेस के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको लंबे समय तक बार बार इंडाइजेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट रह रहा है इस रीजन के अंदर, और आपको पाचन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेंट्स है, तो आपको सोनोग्राफी जरूर कराने लेनी चाहिए। सोनोग्राफी जिसको अल्ट्रासाउंड या यूएसजी भी कहते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि कहीं आपको गाल ब्लैडर स्टोन तो नहीं बन रहा है और कहीं आप साइलेंट गाल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट तो नहीं है कि आपको बाद में सीधा एक दिन पता चलता है कि आपको 20 mm का स्टोन है। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए जिससे आप इसको जितना जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे तो उतना जल्दी ये ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि रेस्ट 20% में फिर क्या सिम्टम्स आते हैं, दोस्तों सबसे पहला सिम्टम जो इसमें आता है वो है पेन। और दोस्तों ये पेन एक बहुत तेज पेन होता है जिसके साथ में आपको नोजिया या वोमिटिंग भी हो सकती है, यानी आपको जी मचलाना या उल्टी भी फील कर सकते हैं। और अगर ये बहुत तेज होता है तो आपको उसके कारण बुखार यानी फीवर भी आ सकता है। दोस्तों ये पेन आपका 30 मिनट्स यानी लगभग आधे घंटे से लेके और एक घंटे या दो घंटे तक भी हो सकता है। इस तरह के पेन के अटैक्स आपको फ्रीक्वेंटली यानी वीक में एक बार या दो बार भी आ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो गाल ब्लैडर स्टोन का पेन है वो नाइट में ज़्यादा होता है, और नाइट में भी उस पर्टिकुलर केसेस में जब आप तरह का फैटी फूड्स अगर आप रात में भोजन में ज़्यादा ले लेते हैं, आपने नॉनवेज ज़्यादा लिया है, या अगर आपने कोई तरह का ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल वगैरह ले लिया है, तो उसके कारण गाल ब्लैडर स्टोन का जो पेन है आपको आ जाता है। और दोस्तों ये पेन भी जब तक ये आपका स्टोन गाल ब्लैडर में पड़ा रहता है तो आपको पेन नहीं देता, वो साइलेंट रहता है, बट जैसे ही ये वहाँ से इस तरह से कॉमन बाइल डक्ट में आने लगता है, इंटेस्टिन की तरफ दोस्तों ये रवाना होता है, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो आपको पेन जो है पेन का सेंसेशन देता है। दोस्तों इस पेन की अगर हम लोकेशन की बात करें कि बॉडी में कहाँ पे होता है, तो ये मेनली जैसा मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन यहाँ पे होती है लीवर के जस्ट नीचे पसलियों की राइट साइड में, तो इसका पेन यहाँ से उठेगा और ये आपको कंधे के पीछे पीछे के रीजन में भी यहाँ पर ये आपको दर्द चला जाता है और ये एक शार्प शूटिंग पेन होता है। तो दोस्तों ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह का आपको सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसकी सोनोग्राफी या यूएसजी आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में कि इसके सिम्टम्स भी हमें पता चल गए, इसके हमें जो है क्यों बनता है ये भी पता चल गया, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों रूटीन में आपने देखा होगा कि जो गाल ब्लैडर स्टोन होता है इसके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, पर दोस्तों गाल ब्लैडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, जैसा हमने डिस्कस किया कि ये हमारी बॉडी में फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल का सिक्रेशन करता है। तो यानी अगर आपका गाल ब्लैडर इसके अंदर आप दोस्तों इससे ऐसे समझाना चाहूँगा कि बेसिकली अगर किडनी में स्टोन होता है, गुर्दे में पथरी होती है, तो आपने देखा कि डॉक्टर गुर्दा नहीं हटाते, आपका सिर्फ स्टोन हटाया जाता है, पथरी हटाई जाती है। बट गाल ब्लैडर का जो ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, इसका वर्स्ट पार्ट दोस्तों क्या है कि इसके अंदर स्टोन नहीं हटाया जाता जबकि पूरा गाल ब्लैडर ही हटा दिया जाता है। तो दोस्तों जब आपका गाल ब्लैडर ही हटा दिया गया सर्जरी से, तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, जो उसके गाल ब्लैडर के फंक्शंस थे वो आपकी बॉडी में बंद हो जाएंगे। और गाल ब्लैडर के फंक्शंस आप याद करें तो क्या था, डाइजेशन। आप जैसे ही कोई खाना खाते हैं, आप फैट्स खाते हैं, कोई भी आप रिच फूड खाते हैं, तो आपका गाल ब्लैडर बाइल सिक्रेट करता है जो ड्यूडेनियम के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टिन में जाके और फैट्स और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों अगर गाल ब्लैडर हटा दिया जाए सर्जिकली, तो नेचुरली आपको इनडाइजेशन रहने लगेगा,
आपको एसिडिटी होने लगेगा, गैस्ट्राइटिस होने लगेगा, आप बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत भी जो है ढंका भोजन या थोड़ा बहुत भी जो है ऑयल फैट्स वगैरह भी आप नहीं खा सकते। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सर्जरी के बजाय होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। दोस्तों गाल ब्लैडर स्टोन का होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही अच्छा इलाज है और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपरली केस डिस्कस करते हैं और डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मैं कहता हूँ दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर गाल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। पर दोस्तों बहुत पेशेंस रखिएगा क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आपका 3 महीने से लेकर 1 साल तक भी आपको लेना पड़ सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिंस की जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है वो है कोलेस्टेरिनम 3X। दोस्तों कोलेस्टेरिनम 3X को हमें 2-2 टैबलेट यानी 2-2 टैबलेट्स 3 times a day डायरेक्टली चूसनी चाहिए। दोस्तों सेकेंड मेडिसिन जो गॉलब्लैडर स्टोन में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है वो है फेल्टोरी। हाँ दोस्तों फेल्टोरी 30, इसको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए और इसको हमें दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये गॉलब्लैडर स्टोन्स को डिजोल्व करने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है और मैंने देखा कि फेल्टोरी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फेल्टोरी को अगर गॉलब्लैडर स्टोन है तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये गॉलब्लैडर स्टोन को डिजोल्व के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम 200। दोस्तों लाइकोपोडियम 200 को हमें सुबह सुबह दिन में सिर्फ 1 बार लेना चाहिए। दोस्तों चौथी जो मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो है चाइना 200। दोस्तों चाइना 200 को हमें रोज शाम को सिर्फ दिन में 1 बार लेना चाहिए। ये गॉलब्लैडर स्टोन के कारण जो है आपको इनडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस वगैरह होता है उसको भी ठीक रखती है और गॉलब्लैडर स्टोन को भी धीरे धीरे डिजोल्व करती है। दोस्तों उसके बाद में मैं आपको एक मदर टीचर का कम्बिनेशन बताऊंगा जो कि गॉलब्लैडर स्टोन को डिजोल्व करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों इसके अंदर आपको 3 मदर टिंचर लेने हैं। सबसे पहला मदर टिंचर है बर्बेरिस वल्गैरिस। दोस्तों हमारे शरीर में कहीं भी पथरी हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे गॉलब्लैडर स्टोन, इसके अंदर बर्बेरिस वल्गैरिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहला मदर टिंचर लेना है बर्बेरिस वल्गैरिस, सेकंड मदर टिंचर आपको लेना है कार्डूस मार मदर टिंचर, थर्ड आपको लेना है चेलिडोनियम मदर टिंचर। दोस्तों इन तीनों मदर टिंचर्स का आप 100 ml का पैक ले लीजिए, यानी 100 ml बर्बेरिस वल्गैरिस, 100 ml आपको चेलिडोनियम लेना है, 100 ml आपको कार्डूस लेना है। दोस्तों तीनों मदर टिंचर आपने ले लिए, उसके बाद एक 100 ml की खाली बोतल ले लीजिए, उसमें लगभग 30 ml आप बर्बेरिस मिला दीजिए, 30 ml ही उसमें आप चेलिडोनियम मदर टिंचर लीजिए, 30 ml ही उसमें आप कार्डूस मदर टिंचर लीजिए। उसके बाद उस बोतल को आप प्रॉपरली 1 बार सेक कर लीजिए, हिला लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका कॉम्बिनेशन बन गया है इसको आपको दिन में 3 बार लेना है। इसको आपको 30-35 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेना है और इसको लेने का तरीका है दोस्तों, एक कप लीजिए, उसमें ऑलमोस्ट 30-35 ड्रॉप्स इस कॉम्बिनेशन की डालिए, फिर उसमें एक कप पूरा जो है गुनगुना पानी मिला दीजिए, ल्यूकोम वाटर, और उसकी छोटी छोटी गूंज जैसे हम गर्म चाय पीते हैं ऐसे धीरे धीरे दिन में 3 बार आपको लेनी है, खाना खाने से लगभग 30 मिनट्स पहले। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो भी है, हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, वो आप जरूर देख लें तो उससे भी आपको और गाइडेंस मिलेगा कि मेडिसिन कैसे ली जानी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो हमने डिस्कशन किया है गॉलब्लैडर स्टोन पे ये आपको पसंद आएगा और ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जैसे ही कोई मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।